हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और हमने पिछले अपने वीडियो में पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने न्यूक्लियस को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था, साथ साथ सेक्स डिटरमिनेशन भी वहाँ हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो हमने बताया था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जिसमें चार जो है ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, लाइसोसोम और वैक्यूल भी बोलते हैं, वैक्यूल को पढ़ेंगे। इन चारों को आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला हमारा ऑर्गेनिज्म जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ईआर जहां देखेगा इसका मतलब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे कि हमने न्यूक्लियस, ये सबसे पहले इसका क्वेश्चन ये होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो है तीन और ऑर्गेनेल्स, इनको मिलकर के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है एक साथ चारों जो ऑर्गेनेल्स है एक साथ मिल करके एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, एक फंक्शन करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का वर्क करते हैं लिपिड्स प्रोटीन्स के, इसलिए इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम और वैक्यूल्स को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है न्यूक्लियस को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा था कि एक न्यूक्लियस को सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, अब यहाँ क्या होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है। तो एक तो ये मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होगा, लेकिन दूसरा जो मेम्ब्रेन होगा वो इसका मेम्ब्रेन ऐसे होगा, और यहीं से जो है ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऐसे 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों तरफ जो होगा इस तरफ भी ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आरईआर और एक होता है, इसको हम साफ कर लेते हैं ताकि लिख लें बेहतर से। एक जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके बाहर जो होंगे राइबोसोम्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं, कुछ राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये राइबोसोम जो होंगे जिसके ऊपर होंगे उसको रफ बोलेंगे, ये एक स्ट्रक्चर देगा रफ का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर जब राइबोसोम लगे होंगे तो रफ एक स्ट्रक्चर देगा, इसलिए बोलते हैं इसको राइबोसोम वाले स्ट्रक्चर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली वर्क जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, बायोसिंथेसिस में वर्क करता है। देखिए यहाँ जब ये राइबोसोम होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले राइबोसोम के साथ, तो इसका मेनली वर्क क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होगा। इसी तरह होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको बोलते हैं हम एस ई एस, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेनली वर्क होता है लिपिड का भी प्रोटीन का भी दोनों का सिंथेसिस करना और जो है ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। तो बेसिकली दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक एसईआर और एक आरईआर। इतना ही इसमें, बाकी हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, दूसरा जो हमारे टॉपिक है आज का दूसरा ऑर्गेनेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो थे इसको सबसे पहली बार कैमिलो गोल्जी ने देखा था 1898 में। इन्होंने न्यूक्लियस के नजदीक देखा था एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला था इन्होंने। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है कैमिलो गोल्जी 1898 में इन्होंने देखा न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको इन्होंने गोल्जी बॉडी बोला। ठीक है, इन्हीं के नाम से आया है गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी के नाम से। इसका मेनली वर्क होता है जो भी प्रोटीन बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो क्या होते हैं, इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स को दे दिया जाता है, इनको हैंडओवर करता है और ये मॉडिफिकेशन करते हैं उस प्रोटीन को, और साथ साथ उस प्रोटीन को जो है ये पैकेजिंग का वर्क करते हैं। तो मेनली इसका वर्क जो होगा वो हम देखते हैं यहाँ पैकेजिंग का होगा, प्रोटीन पैकेजिंग या फिर मेटेरियल्स जो भी होंगे उनका पैकेजिंग का वर्क करेगा, साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होंगे उनका मॉडिफिकेशन में भी वर्क करता है, साथ साथ उनका
पैकेजिंग भी करता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। कैंबिलियो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था। साथ साथ इसका फंक्शन जो होगा प्रोटीन पैकेजिंग होगा या और भी मटेरियल जो होंगे उनका पैकेजिंग का वर्क यही करेगा, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये असल में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं एंट्रेंस के, उसमें डायरेक्ट ये पूछता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ये क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट जो है वो करने का वर्क करता है, पैकेजिंग करने का वर्क करता है, तो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हमारा तीसरा जो होगा आज का वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का, इसको सबसे पहले नाम लिख लेंगे, सबसे पहले सुसाइडल बैग। ये क्या करता है लाइसोसोम, ये एक ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मेनली एनिमल्स में होता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि मेनली किस में देखने को मिलता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए जो रहता है इसके पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को यहाँ थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा सेल है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, समझ लीजिए ये जो है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम क्या करता है, जैसे आउटर पार्टिकल कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये हमारे सेल के अंदर इंटर करता है, तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होगा, हमारी जो मशीन होगी जो हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें बचाती है, हमने बताया था थोड़ा सा और उसको हम बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे भी, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है उसको, तो ये क्या करता है इसमें इंटर करता है, सेल के अंदर जाता है। तो ये पार्टिकल अगर ये सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम जो है ये पहचानता है कि कौन सा पार्टिकल है जो हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह है। तो ये पार्टिकल अगर कोई वायरस है या बैक्टीरिया है तो इसको पहले तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा वो इस पार्टिकल के ऊपर वर्क करेगा, देखेगा हमारा पार्टिकल उस इसको जो है मार सकता है या नहीं मार सकता है। अगर नहीं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इस पर वर्क नहीं कर पाता है तो ये जो होगा इस पर अगर वर्क नहीं कर पाता है तो ये हमारा जो सुसाइडल बैग है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम को, ये लाइसोसोम जो होगा ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके ऊपर रिलीज करेगा, ठीक है। और इसको जो है ये सबसे पहले क्या करेगा, ये खुद का इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करेगा ये फट जाएगा, इसका जो मेम्ब्रेन होगा ये फट जाएगा। फटने के बाद क्या करेगा, ये पूरे चारों तरफ से ये एंजाइम जो रिलीज करेगा इस पार्टिकल को, रिलीज करके इस पार्टिकल के ऊपर जाएगा और वो पार्टिकल वहीं से जो होगा उसके ऊपर जब रिलीज होगा तो वो डेड हो जाएगा और इसको मार करके फिर ये जो है इसको सेल से बाहर निकाल देगा। तो ये इसका वर्क है कि कैसे सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम कैसे वर्क करता है। तो ये देख रहा है ना कि सेल को बचाने के लिए खुद की सुसाइड कर लिया, ये फट गया, ये जब जरूरत पड़ी तो फट गया और वो आपने जो इसके अंदर जो एंजाइम थे वो जाकर के इस पर रिलीज हुए और रिलीज होने से इसकी डेथ हो गई और वो बाहर फिर सेल से निकल गया। तो इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये सेल को बचाने के लिए खुद की सुसाइड कर रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली इतना ही सुसाइडल बैग है, आपको याद रखना है बस कि सुसाइडल बैग इसे बोलते हैं और इसके पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करके और फॉरेन पार्टिकल जो होता है उससे सेल को बचा लेता है और खुद जो ये इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये खुद फट जाता है और सेल की प्रोटेक्शन करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आज का जो चौथा टॉपिक है वो वैक्यूल है, आज हम यहीं तो पढ़ेंगे क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ही आज हमें पढ़नी थी, तो हम इससे रिलेटेड चार जो ऑर्गेनेल्स है वही पढ़ेंगे, तीन हमने डिस्कस कर लिया, एक और बचा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये प्लांट सेल है, इसको यहाँ लिखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को दिख रही होगी, प्लांट सेल, और ये जो होगा एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल में हम देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा इसको न्यूक्लियस लिखा, न्यूक्लियस जो है कितना छोटा सा दिख रहा है, वहीं जो है वैक्यूल कितना बड़ा दिख रहा है, लगभग 90% जो होता है प्लांट सेल का, एक सेल का 90% जो होता है सिर्फ वैक्यूल कंटेन करता है। यहां हम देखेंगे प्लांट सेल को, सबसे पहला जो है वैक्यूल को समझने के लिए प्लांट सेल देखते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में जो होता है वैक्यूल बहुत बड़ा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ सेंटर पर, हम लोग ने पढ़ा था जब सेल पढ़ा था तो कि सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस होता है, बट प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि सेंटर से इसको किनारे पर कर देता है, न्यूक्लियस को एक किनारे पर न्यूक्लियस चला जाता है और वैक्यूल जो होता है 90% जो है सेल का पूरा कंटेन करता है अकेले वैक्यूल। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि टोनोप्लास्ट क्या है या फिर जो है आउटर मेम्ब्रेन को
क्या बोलते हैं, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। 90% होता है, साथ साथ न्यूक्लियस में छोटा सा आ जाता है, किनारे पे आ जाता है। यहीं पर हम देखेंगे एनिमल सेल में जब देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में है बिल्कुल, ये जो है छोटे छोटे आपको दिख रहा है इसको वैक्यूल है, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है, ये है वैक्यूल्स। तो यहां पर देखेंगे पाए जाएंगे छोटे छोटे पाए जाएंगे, बहुत सारे पाए जाएंगे, कई सारे पाए जाएंगे वैक्यूल एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में जो होता है सिंगल पाया जाता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए जो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में बहुत से होते हैं छोटे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझ आया होगा, और जो है नहीं समझ आया कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पर, तो आप लोगों को वहां से भी कोई क्वेश्चन होता है इस वीडियो के अंदर डाल सकते हैं कोई कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को उन 3 वीडियो की भी जो है प्ले लिस्ट का लिंक आप लोगों के इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा। उम्मीद है आप वहां से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और जो है लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।